दिल्ली में बीजेपी की ओर से कुछ और पोस्टर लगवाए गए हैं। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना राम से और केजरीवाल की तुलना रावण से की गई है। बीजेपी दफ्तर के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं। लिखा है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री को भड़का रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार से बर्खास्त हो और वो दिल्ली से छुटकारा पा सके। कुछ पोस्टर दिल्ली में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने भी लगवाए हैं। इसमें केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने महेश गिरी का नाम एमएम खान मर्डर केस में शामिल होने का आरोप लगाया है। बुधवार को केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को एक चिट्ठी लिखी थी। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और एमएम खान मर्डर केस में महेश गिरी और करण सिंह को बचाने का आरोप लगाया था। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कैराना में हिंदुओं के पलायन के खिलाफ निर्भय यात्रा स्थगित कर दी है। रोक के बावजूद संगीत सोम ने समर्थकों के साथ सरधना से यात्रा शुरू की, लेकिन प्रशासन को अल्टीमेटम देने के बाद यात्रा स्थगित भी कर दी। संगीत सोम ने प्रशासन को 15 दिनों के अंदर कैराना से पलायन रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी ने भी संगीत सोम से यात्रा रोकने को कहा था। यूपी सरकार ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई यात्रा की घोषणा नहीं है और संगीत जी को आग्रह किया गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग आगे तय करेंगे और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसकी प्रतीक्षा करते हैं। चुनाव आ रहा है इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। संगीत सोम की निर्भय यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी नेता अतुल प्रधान ने सद्भावना यात्रा का ऐलान किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम ने सरधना सीट से अतुल प्रधान को हराया था। कैराना में धारा 144 का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी की सद्भावना यात्रा पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी। एसपी ने विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। गोरखपुर ग्रामीण से विजय बहादुर यादव को टिकट दिया गया है। विजय बहादुर गोरखपुर ग्रामीण से बीजेपी विधायक है और एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने निलंबित कर रखा है। एसपी ने मथुरा से अशोक अग्रवाल, झांसी नगर से दीपमाला कुशवाहा, आगरा ग्रामीण से राकेश बघेल, सहारनपुर में देवबंद से मीना राणा को कैंडिडेट बनाया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से विवन नागर, बरेली के मीरगंज से हाजी जाहिद हुसैन, झांसी के बबीना से श्याम सुंदर यादव को एसपी ने मैदान में उतारा है। वहीं देवरिया से विजय प्रताप यादव, मिर्जापुर के मझवा से प्रभावती यादव और सोनभद्र के दुद्धी से मौजूदा निर्दलीय विधायक रूबी प्रसाद को एसपी कैंडिडेट घोषित किया गया है। ये सहारनपुर में देवबंद श्रीमती मीना राणा पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र राणा की पत्नी है, इनको घोषित कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से कर रहे जेवर से पेवन नागर और मथुरा शहर से कर रहे डॉक्टर अशोक अग्रवाल। जैसे जैसे यूपी विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पार्टी अपने जनाधार को और मजबूत करने में लगी हुई है। वाटर टैंकर घोटाले में फंसी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने सफाई दी है, खुद को बेगुनाह बताया है। शीला दीक्षित ने कहा कि टेंडर देने वाली कमेटी में सभी दल के नेता शामिल थे। आपको बता दें कि वाटर टैंकर घोटाले की जाँच अब एंटी करप्शन ब्रांच यानी की ACB करने वाली है। उपराज्यपाल ने ACB जाँच को मंजूरी दी है। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हमने मांगे गए सभी सबूत दिए हैं, अब सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने रेकमेंड करा है ना, लेट देम फाइंड आउट द फैक्ट्स। अभी मैं कैसे उसमें टिप्पणी दे सकती हूँ? ऑल दैट आई नो इज जो भी डिसीजंस जल बोर्ड में लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं। CEO होता है, वहाँ पे मेंबर्स होते हैं जिसमें बीजेपी भी होती है मेंबर। एक साल के अंदर हमने शीला दीक्षित की जांच की, सारे सबूत इकट्ठे किए, पूरी रिपोर्ट बनाई, किसने घोटाला किया, कितने का घोटाला हुआ, सारी रिपोर्ट बनाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी एक साल के अंदर। भाजपा कह रही है बहुत लेट कर दिया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले की जाँच CBI या ACB से कराने की मांग की थी। शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने पार्टी की स्थापना के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में बीजेपी को आमंत्रण नहीं दिया है। रविवार को मुंबई में ये कार्यक्रम होना है और माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले BMC चुनाव से पहले
शिवसेना ने ये कदम उठाकर बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है। हालांकि शिवसेना इसे पार्टी का आंतरिक मामला बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी कहना है कि ये शिवसेना का फैसला है कि अपने किसी कार्यक्रम में वो किसे बुलाती है और किसे नहीं। साफ है दोनों पार्टियों में बढ़ती दूरी अब सार्वजनिक मंचों पर भी झलकने लगी है। गुजरात के एक मंत्री शंकर चौधरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन गलत स्पेलिंग लिखकर मंत्री जी खुद फंस गए। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं यह है गुजरात के मंत्री शंकर चौधरी साहब। वैसे तो मंत्री जी के पास MBA की डिग्री है, लेकिन एक नजर डालिए इस पर। शंकर चौधरी ने ब्लैक बोर्ड पर एलिफेंट की स्पेलिंग लिखी है ELEPHENT, जबकि सही स्पेलिंग होती है, हम सब जानते हैं, ELEPHANT। बनाना की स्पेलिंग भी कुछ ऐसी ही लिखी है जिसमें NM की तरह नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद शंकर चौधरी की काफी किरकिरी हो रही है। शंकर चौधरी के पास गुजरात सरकार में कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनके पास शहरी आवास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन राज्य मंत्री भी वो हैं। 2015 में मंत्री जी पर फर्जी MBA की डिग्री रखने का आरोप लगा था, हालांकि बाद में उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद 2002 में गुजरात के विधानसभा में मंत्री जी पर पॉर्न साइट देखने के भी आरोप लगे थे। आज जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 12 आतंकी मारे गए, सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ थी। मंगलवार को कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर और गुरुवार को तंगधार सेक्टर, जबकि आज सोपोई के बोमई इलाके में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बोमई गांव में कुछ आतंकी छिपे हैं। जवान मौके पर पहुंचे तो एक घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। घुसपैठ और आतंकी हमलों के बढ़ते मामलों के बीच आज गृह मंत्रालय में भी आंतरिक सुरक्षा पर बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने पिछले 10 दिनों में कई इंटरसेप्ट पकड़े हैं, जिसमें आतंकियों की बातचीत रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग में आतंकियों के आका सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमले के निर्देश दे रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। गिरिडीह जिले के पीरटांड इलाके में पतल छपरा के जंगलों में नक्सलियों की मीटिंग के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे। जवानों के पहुंचने की भनक लगते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में CRPF कोबरा बटालियन 203 का एक जवान शहीद हो गया। एक नक्सली के भी मारे जाने की खबर है। CRPF के जवानों के मुताबिक नक्सलियों की टीम में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। मुठभेड़ में शहीद CRPF का जवान बालन हरिजन असम का रहने वाला था। उसके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद उसके पैतृक गांव भेज दिया गया। गुलबर्ग सोसाइटी केस में SIT की विशेष अदालत ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जज ने कहा है कि सभी 11 दोषी मरने के समय तक जेल में रहेंगे। अदालत ने 12 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य को 10 साल कैद का हुक्म दिया। पीड़ित लोगों ने फैसले को अधूरा इंसाफ बताया है। हमले का शिकार हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का कहना है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। आने वाले लोग दिनों में अब मैं फिर से तैयारी शुरू करूंगी, फिर कोर्ट के सामने आऊंगी, मैं उनसे इंसाफ मांगूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दीजिए, मेरे वकीलों को बुलाकर। इतनी साल की सजा हुई, इससे ज्यादा जो जेल में है वो न्यायमूर्ति वापिस तो नहीं दे सकते, लेकिन वही दिन वो रिहा हो जाएंगे। आज ही दिन वो रिहा हो जाएंगे। ये जजमेंट पूरा गलत है, इसलिए ये न्याय प्रणाली का को मेरे को भरोसा उठ गया। 2002 में गोधरा कांड में गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हो गई थी। 28 फरवरी 2002 को गुलबर्गा में हमला हुआ था। भारत के पहले स्वदेशी बेसिक प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान टर्बो टर्नर 40 ने आज अपनी पहली उड़ान भरी। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से विकसित HTT-40 ने सुबह HAL हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये विमान सेना के तीनों अंगों के सभी फ्लाइंग कैडेट्स की पहली स्टेज ट्रेनिंग के लिए बेहतर है।
इसका इस्तेमाल लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की तरह भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात बेसिक ट्रेनिंग के साथ ये है कि रात की उड़ानें भरने में सक्षम है। स्वदेशी तरीके में इसका डिजाइन तैयार करने में खर्च भी कम आया है। वायुसेना को जल्द ही 70 ऐसे एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। गुजरात के गीर नेशनल पार्क में शेरों के सामने फोटो खिंचवाकर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा मुश्किल में पड़ सकते हैं। रविंद्र जडेजा 15 जून को गुजरात के गीर नेशनल पार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर और शेरों के काफी नजदीक जाकर फोटो खिंचवाई। इस दौरान जडेजा की पत्नी रिबाबा भी मौजूद थी। दूसरी फोटो में जडेजा कुछ दोस्तों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ नजर आ रहे हैं। नियम के मुताबिक गीर में गाड़ी से नीचे उतरकर फोटो खिंचवाने पर रोक है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। तस्वीरें वायरल होने के बाद वन विभाग ने डीएफओ को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। ये पहला मौका नहीं है जब रविंद्र जडेजा किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में हो। इससे पहले जडेजा की शादी में खुलेआम फायरिंग के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। फायरिंग के वक्त जडेजा भी वहां मौजूद थे। टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच में दूसरी हरी सब्जियों ने भी तेजी पकड़ी है और महंगाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है। केवल हरी सब्जियां ही नहीं बल्कि फल और दालें, इन सब चीजों पर भी लगातार इजाफा हुआ और जिस तरीके से कीमतें बेकाबू हो रही हैं, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या चूज करे या किस चीज को छोड़ दे। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर भी करते हैं। सर एक चीज ये बताइए, आप लोग परचेज कर रहे हो, जिस तरीके से चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, टमाटर या फिर फल सब्जियां, क्या लगता है कि मतलब कुछ समझ में आता है कैसे महंगाई बढ़ती कैसे घटती है? इसमें क्या है कि सरकार को हर चीज में मतलब कि खाने पीने की चीज में अंकुश तो होना चाहिए, अंकुश तो लगाना चाहिए। अब जैसे ये रोज़मर्रा के जो सामान है जैसे सब्जी, अब कभी कभी जैसे टमाटर की दाम बढ़ जाती है, कभी प्याज की दाम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कि आम जनता के समझ से परे है कि कहाँ पर ये एक ट्रिक अप्लाई किया जाता है कि जो जमाखोर है कैसे इसको मार्केट में लेकर आता है और अपने पैसे को बनाने के लिए, जैसे टमाटर का दाम अभी 100 रुपया किलो है, कभी प्याज का दाम 100 रुपया हो जाता है या 50 रुपया हो जाता है, तो ये सब चीज़ को जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं वो परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके बजट के अनुकूल चीज़ें बन ही नहीं पाती। जब जब वो बजट बनाने का प्रयास करते हैं तब तब चीज़ें इस कदर महंगी होती हैं कि हालात उनकी पहुँच से बाहर हो जाते हैं। दिनों दिन आसमान को छूते सब्जी और दालों के दामों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है देहरादून की उस प्रसिद्ध सब्जी मंडी में जहाँ पर कि अब इस वक्त जो ग्राहक हैं वो कम नजर आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिनों दिन जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दामों में जो इजाफा हो रहा है, जो सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, ये एक वजह है। जी हाँ, जहाँ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं वहीं दिनों दिन दाल के भी दाम बढ़ रहे हैं, यानी दलहन से जुड़े जो आइटम है उनके भी दामों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। अब देखना होगा कि ये जो तमाम जो गोदाम है और जो ये जमाखोर हैं, आखिर इन पर राज्य और केंद्र सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, कितना राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम आदमी को महंगाई से निजात दिलाने के लिए गंभीरतापूर्वक इन जमाखोरों पर सख्त एक्शन लेती है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों को एक बड़ा झटका लग सकता है। डीएमआरसी ने एक बार फिर मेट्रो का किराया बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए उसने किराया तय करने वाली कमेटी को प्रस्ताव भेजा है। अगर दिल्ली मेट्रो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो मेट्रो में सफर करने वालों को पहले से दुगना किराया देना होगा। प्रस्ताव के मुताबिक डीएमआरसी ने मेट्रो का न्यूनतम किराया 8 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए रखने की बात कही है। किराए बढ़ाने के पीछे डीएमआरसी ने दलील दी है कि साल 2009 में किराए में बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद मेट्रो किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस दौरान बिजली महंगी हुई, ऐसे में मेट्रो को सही तरीके से संचालित करने के लिए किराया बढ़ाना जरूरी है। कर्नाटक में अंधविश्वास की हद हो गई। बारिश न होने से परेशान लोगों ने एक नाबालिग बच्चे को बिना कपड़ों के गाँव में घुमाया। सूखे से जूझ रहे लोगों ने नाबालिग बच्चे के पूरे कपड़े उतारे, उसे नहलाया, फूलों की माला पहनाई, इसके बाद बच्चे के सिर पर भगवान गणेश की मूर्ति रखकर पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद गांव वालों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच पूजा भी की गई।
गांव वालों की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और बारिश होगी। हैरानी की बात ये कि इस काम में बच्चे के परिवार वाले भी मौजूद थे। नाबालिग बच्चे को बिना कपड़े के घुमाने की ये घटना 10 जून को चित्रदुर्गा के पंडारा हल्ली गांव की है। वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्थानीय अधिकारियों से जानकारी मांगी है। यूपी के प्रतापगढ़ में बिजली विभाग और नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर एक सीवर लाइन खोदी गई, जिसमें डूबकर एक महिला की मौत हो गई। मामला नगर कोतवाली के दहिला मऊ का है। यहां पर बिजली विभाग के लोग पोल लगाने का काम कर रहे थे। इसके लिए नगरपालिका से एनओसी भी नहीं ली गई थी और बिना बैरिकेटिंग के सीवर लाइन खोद दी गई। कल देर रात महिला मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए जब घर से निकली तो सीवर में गिर पड़ी। सुबह उसका शव सीवर में तैरता मिला, जिसके बाद लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष खुद बिजली विभाग को दोषी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के गुढ़ा गांव में पुलिस ने कच्चे और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था। गुढ़ा गांव की भट्टियों से तैयार शराब को शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता था। छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने 3 भट्टियों को तोड़कर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया है। पुलिस ने अवैध शराब के धंधे से जुड़े 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3,000 लीटर लहन को भी नष्ट किया है, जिससे जहरीली शराब बनाया जाना था। गांव में पुलिस के आने की खबर मिलते ही शराब कारोबारी मौके से भाग निकले। पुलिस की छापेमारी से गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि झांसी के गुढ़ा गांव में अवैध शराब बनाने का कारोबार कई दशकों से चल रहा था, जिसमें बड़ी मात्रा में लहन नष्ट की गई है और करीब 200 लीटर अवैध शराब जो डिस्टिल करके रखा हुआ था, और साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 3 भट्टियां बरामद की गई और आगे भी जो उसमें संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। तो जो शेष अन्य लोग हैं इस टीम में काम करने वाले, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस अन्य इलाकों में इस तरह की छापेमारी कर सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक्सप्रेसवे पर एटा से दिल्ली जा रहा मिनी ट्रक एक खड़े हुए ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे में मिनी ट्रक में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। TCM वाले ने गाड़ी खड़ी थी, उसमें मतलब उसको जब नींद आ गई, उसने उसमें गाड़ी में टक्कर मार दी पीछे से। इनका जो है एक्सीडेंट जो है ट्रक से पीछे से टक्कर मारी है। 2 लोग इसमें मृत अवस्था में लाया गया है इनको। सभी घायल लोगों को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मॉनसून ने केरल में दस्तक दी तो उसका असर देश के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। आज गुवाहाटी में सुबह से बादल बरस रहे हैं। भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। कई इलाकों में चारों तरफ पानी लगा हुआ है। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। सड़कों पर लोगों के कमर तक पानी है। भारी बारिश के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी मुख्य सड़कों पर हुई। स्कूली बच्चों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी डीआरजीओ मैनेजमेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक डीआरजीओ के टॉप मैनेजमेंट से ईडी इस बारे में पूछताछ करेगा कि माल्या को 275 करोड़ रुपए का भुगतान विदेश में क्यों किया गया। ईडी को शक है कि माल्या को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश में पेमेंट किया गया है, और साथ ही ईडी ये भी जानना चाहता है कि तमाम विवादों के बावजूद डीआरजीओ ने पेमेंट कैसे किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी यूएसएल व्हाइट एंड मैके डील की भी जांच कर रहा है। ईडी को शक है कि डील को दस्तावेजों में काफी सस्ता दिखाया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि ईडी ने माल्या को 4 बड़ी बेनामी प्रॉपर्टी की भी पहचान कर ली है, जिन्हें जल्द ही जब्त किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक ईडी को कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ लोन के बदले रिश्वत लेने के शुरुआती सबूत भी मिले हैं।
इंश्योरेंस सेक्टर में मेगा मर्जर होने जा रहा है। मैक्स लाइफ के बोर्ड ने एचडीएफसी लाइफ के साथ मर्जर को मंजूरी दी है और इस मर्जर के बाद बनी कंपनी देश में लाइफ इंश्योरेंस कारोबार की निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें कि डिलीजेंस के बाद दोनों कंपनियां मर्जर की शर्तें तय करेंगी और हालांकि अभी तक डील की रकम का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मर्जर के बाद बनी कंपनी की वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए लगाई जा रही है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से भी 54% बड़ी होगी। फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की वैल्यू करीब 32,500 करोड़ रुपए है। वहीं देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की वैल्यू 25,00,000 करोड़ रुपए है। इस मेगा मर्जर के बाद एचडीएफसी और मैक्स की नई कंपनी का कुल मार्केट शेयर बढ़कर 12.4% हो जाएगा, जो निजी इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आती है, इसका मार्केट शेयर 11.3% है। तीसरे नंबर पर 9.7% मार्केट शेयर के साथ एसबीआई लाइफ। अमेरिका में न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। तेज हवाओं के चलते आग और फैलती जा रही है। तेज हवाओं के कारण आग की लपटों ने 12,000 एकड़ में फैले जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। 50 किलोमीटर के दायरे से सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। बुधवार को न्यू मैक्सिको के ताजिक्यू शहर में करीब 10 किलोमीटर दूर जंगलों में आग भड़की थी। जंगलों में भड़की आग का धुआं 100 किलोमीटर दूर तक शहरों में पहुंच चुका है। 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके तापमान की वजह से आग तेजी से भड़क रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये मुश्किल वक्त की तैयारी है, यानी भूकंप और आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने अभ्यास किया है, जिसमें 30 लोग घायल हुए और 11 लोगों को गंभीर चोटें आईं। इस मॉक ड्रिल में 50 लाख की संपत्ति को नुकसान और 13 भवनों को गिरा दिखाया गया। पूरे अभ्यास के दौरान जवानों ने प्रभावितों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश की। आपदा प्रबंधन की ड्रिल की गई, मॉक ड्रिल के तहत क्विक और फायर इंसिडेंट के तहत इंसिडेंट कमान सिस्टम और सिस्टम बनाने को रखा गया है और हमारे द्वारा जैसे जिसमें कार्रवाई की जाती है टीम बनाकर सर्च रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन पूरा वो कार्रवाई किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी पुलिस प्रशासन राजस्व आपदा प्रबंधन जितने भी इसमें जो कारक होते हैं स्टेक होल्डर सभी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस पूर्व अभ्यास में 7 डेस्क बनाए गए थे, जिसके जरिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने सहयोग किया और सबकी कोशिश थी लोगों की जिंदगी को बचाने की। हालांकि क्षतिग्रस्त भवनों और संपत्ति को हुए नुकसान का भी आकलन किया गया। पहले भी हमने 2 महीने पहले करी थी, दोबारा किया है। इस बार उम्मीद है कि कुछ सुधार हुआ है और भविष्य में ऐसी कंपनी सस्ती रहेंगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हमें फायदा पहुंचेगा। पिथौरागढ़ जिला भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। ये पूरा क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 और 5 के अंदर आता है, जहाँ अक्सर भूकंपीय झटके आते रहते हैं। वहीं बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं भी घटती रहती हैं। ऐसे में ये मॉक ड्रिल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया 24/7।